इंट्रो से पहले ही मैं एक बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। शायद ये वाला वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, जो भी मेरे नए व्यूअर्स हो एंड मेरे पुराने। तो आप लोगों को पहले इस वीडियो का दो पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, उसको चेक करना पड़ेगा, वरना ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं है और अगर आप लोग देखना पसंद नहीं करोगे फिर से, तो आप देख सकते हो, बस हेयर ऑयलिंग एंड हेयर स्टाइल के लिए। एंड जिन लोगों को समझना है कि ये बेसिकली किस टॉपिक का है एंड मैं क्या बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले देखिए एंड उसके बाद फर्स्ट डे का जो मैंने अपलोड किया वो देखना है। मतलब इसके पहले मैंने ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ इससे रिलेटेड। अगर आप लोग वो दो वीडियो नहीं देखा है तो ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं इंट्रो स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ तनुश्री एंड वेलकम बैक टू माय चैनल श्रीज ब्यूटी टिप्स एंड ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि सभी अच्छे हो एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड ये वाला जो वीडियो आप देख रहे हो ये मुझे एक महीने पहले अपलोड करनी थी। सितंबर के 5 तारीख को मैंने ये वाला वीडियो एडिट की थी एंड अपलोड में भी डाल दिए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम के वजह से ये यूट्यूब ने पता नहीं क्या हुआ कि ये पब्लिक नहीं हो रही थी, कुछ इश्यूज दिखा रहा था। तो ये वीडियो लाने में बहुत ही लेट हो गया, करीबन एक महीना हो गया। एंड मैं इस बार भी बहुत लेट हो गई हूँ कि वीडियो डालने के लिए, एंड ये मेरा हार्ड वर्क का सेम ही मसला है। पता नहीं, ये वाला वीडियो मैंने 2 से 3 बार ट्राई किया अपलोड करने के लिए, मैंने डाल भी दिया था। इवन मेरा नेट भी बहुत बार यूट्यूब से, मतलब इस मीडिया से कट लिया है, लेकिन उसके बाद भी ये वाला वीडियो अपलोड नहीं हुआ। कुछ इश्यूज दिखा रहा था कि मेरा, मतलब मेरा तब टीवी चल रहा था तो टीवी का जो साउंड था इसके वजह से, मतलब शायद पता नहीं मुझे ठीक से, मैंने अच्छे से चेक किया उसके बाद पता चला कि उधर टीवी चल रहा था। जो लोगों ने इस वीडियो का ऑलरेडी पहला पार्ट देख चुके हैं उन लोगों को पता है, लेकिन उस वीडियो में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इस वीडियो में पूरा ही टीवी का साउंड आ रहा था। इसके वजह से ये यूट्यूब ने परमिट नहीं किया अपलोड करने के लिए। तो बहुत दिन हो गया मैं ऑडियो भी नहीं डाल पाई एंड मुझे पता भी नहीं चल रहे थे अच्छे से कि क्या हो रहा है, तो आज मैं इसमें ऑडियो दे रही हूँ। तो बेसिकली जो था ये वीडियो का जो टॉपिक है, एक हेवी हेयर ऑयलिंग एंड ब्रेड है, स्लिक ऑयल ब्रेड। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड ये उसका सेकेंड पार्ट है। एंड इसका अगले भी एक पार्ट है, वो भी मैंने मतलब अनलिस्ट करके रखी हूँ, प्राइवेट करके रखी हूँ। इस वीडियो के 2 दिन बाद मैं वो भी पब्लिक कर दूंगी। ऑलरेडी वो अपलोड मैंने कर दिया है लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि उसके पहले मुझे ये वाला वीडियो डालना था। तो बेसिकली ये 3 डेज का हेयर केयर चैलेंज आप बोल सकते हो, कि मैंने 3 दिन हेयर केयर किया, हेयर ऑयलिंग किया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रही थी एंड उसके साथ साथ आंटी ने मेरे ऊपर हेयर स्टाइल वगैरह की। तो मैंने एक दिन पहले किया, उसके दूसरे दिन वो वाला खोल के फिर से ऑयलिंग करके सेम किया, दूसरा दिन भी वो ही हुआ एंड तीसरा दिन का वीडियो आएगा। ये वाला सेकेंड डे का ही सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट डे का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, सेकेंड डे का भी फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेकेंड पार्ट है एंड इसके साथ साथ और एक आएगा। तो मैं पता नहीं इतना ज़्यादा ऑडियो में कैसे डालूँ, ये वीडियो भी लॉन्ग है। इसका अगर आपको ओरिजिनल ऑडियो मिलता तो अच्छा लगता, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करती हूँ जब मैं वीडियो शूट करती हूँ आंटी के साथ, ऐसे ही बैठ जाती हूँ एंड बातें होती रहती है, लेकिन मैं इसमें वो नहीं दे पा रही हूँ उस कुछ प्रॉब्लम के वजह से। टीवी चल रहा था एंड मैं वो गलती कर चुकी, टीवी में सॉन्ग वगैरह हो रही थी, सीरियल भी हो रही थी, इसके वजह से यूट्यूब ने वो कुछ इश्यूज दिखा रहा था। तो आज जाके मैंने इसको अपलोड कर रही हूँ, इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा जल्द ही। एंड आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसे लगा एंड घर में आप लोग ट्राई करना। अगर आप लोग ऐसे हेयर ऑयलिंग करके, हेयर स्टाइल वगैरह करके रखेंगे तो आप लोगों का हेयर जो है मतलब कम झड़ेगा एंड इसके साथ साथ अच्छे से लॉन्ग भी हो जाएगा एंड जो स्प्लिटेंस वगैरह का प्रॉब्लम रहता है वो भी नहीं रहता। तो मैं इसका चैलेंज तो लाऊंगी, लाने की कोशिश करूंगी। अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसकी वजह से नहीं हो पा रही है,
मुझे बहुत सारा कमेंट आती रहती है, उसके बावजूद नहीं होता है। एंड अभी मैं घर आ चुकी हूँ, एक महीना हो गया एंड इधर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसकी वजह से नहीं हो रही है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी वीडियो लाने की। एंड आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को किस टॉपिक पे एंड क्या रिक्वेस्ट वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर लाऊंगी। तो वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड मैं इसमें सॉन्ग दे रही हूँ बैकग्राउंड म्यूजिक दे, मतलब इसका जो ओरिजिनल वॉइस है मैं नहीं डाल पाऊंगी इसके वजह से।
बुरा लग रहा है कि मैं क्या ही बोलूं, मैं शब्दों में बयां नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मुझे वीडियो का जो ओरिजिनल ऑडियो रहता है वो ही देने में मुझे ज़्यादा पसंद, मतलब ज़्यादा अच्छा फील होता है। ज़्यादातर इस तरह की वीडियो में जिसमें मैं किसी और को लेकर वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि ये सब मेमोरी बनकर रह जाता है बाद में। एंड आंटी से मेरा इतना ज़्यादा बातें होती है वीडियो की टाइम कि मुझे शेयर करना था वो सब कुछ। शायद सभी लोगों को बंगाली नहीं आता, लेकिन मुझे तो आता है। मुझे यही अच्छा लगता है कि मैं बाद में जब ये सब वीडियो देखती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, लेकिन क्या ही किया जाए। मेरा ज़्यादातर वीडियो बहुत ही ज़्यादा नेचुरल रहती है, तो उसमें नेचुरल बातें ही ज़्यादा अच्छा लगती है। बाद में ऑडियो देना मतलब उतना अच्छा नहीं लगता। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा, एंड लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब।